बहावलपुर में आपको मीठा खाने शुगर खाने की जरूरत ही नहीं, लोग इतने मीठे हैं कि आपका शुगर का कोटा भी पूरा हो जाता है। बिस्मिल्लाह सही सारे दोस्तों भीरावा को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करने ना सारे खैर खैरियत नाल हो। दोस्तों रात दे बजदे पेन तकरीबन त्राए दा टाइम थींदा पे और माए ही टाइम जरा बस पेट्रोल घतावण आ गड्डी च कुछ हवावां दा मसला हो चक्करवाण गया हम ते ऐसा निकलदे पे इस्लामाबाद वास्ते ते सवेरे जरा उथां पीटीवी सेंटर इस्लामाबाद भाई दा एक इंटरव्यू है उथां ही वेंदे पे नाल व्लॉग भी करे सो मजेदार किस्म दा ते बस घर पहुंचता पे भाई उन्हीं को गिनते इस्लामाबाद वास्ते निकलता पे। जी दोस्तों असा पहुंच गए हैं पीटीवी सेंटर इस्लामाबाद। दोस्तों असा अंदर आ गए हैं और ये गड्डी दी पार्किंग है जी, इथे ही गड्डी ला देने और अंदर वेंदे हैं हुण। अब वकर भाई सुनाओ नेंद्रपुरी थई है तुहाडी सारा रास्ता तुसा ही सुते आए हो, भाई भी सुते आए और मैं कल्ला जरा है गड्डी चलाते तक पहुंचया ते हुन वापसी तुसा दोहे जरा है गड्डी चले सो ठीक है ते मैं सुमसा। जी दोस्तों सब बिल्डिंग दे अंदर एंटर थी गए हैं पीटीवी होम ए जी इस्लामाबाद सेंटर है। लाहौर सेंटर पहले भी तो आपको विजिट करवाया है वाल भी कहीं नहीं तो आपको जरा विजिट कर लेने हैं जी। दोस्तों सब मेकअप रूम में आ गए हैं और जरा ये भाई दी जरा थोड़ा बहुत जाहिर है और कैमरे का तकाजा भी है जरा कुछ ना कुछ जरा है ना कुछ करना पौंदे ते ओ जरा करवा के ना भाई वाल अंदर वेने स्टूडियो एच। अच्छा उबकर भाई ये दसाओ तुसा हुण 17-18 साल दा तुहाडा एक्सपीरियंस है मीडिया इंडस्ट्री दा ते एग्जैक्टिव प्रोड्यूसर रह गए वे डिफरेंट चैनल्स विच और बड़े बड़े नाम वर जे रहे एंकर पर्सनस दे नाल ते ए दसाओ के ए जरा मेकअप शेकअप है ए क्यों जरूरी है जी हर दफा। सर मेकअप यूं से जरूरी है कि बुनियादी तौर पे जेरे लोग टीवी देख रहे ना उन्हें दी नजर च होंदा है कि बड़ा निखरे और बड़ा सवेरा आदमी स्क्रीन दे उत्ते बैठे जिन्हें पिछे खूबसूरत सेट है जिन्हें उत्ते खूबसूरत लाइट थई हुई है ते जब मेकअप थी ना उनके बाद एक नीट लुक आ गई है ठीक है। बाद बाजो का तो ना स्किन भी टोन थी गई है बाजो का जरा गहरा कलर होंदे सांवला कलर होंदे थोड़ी जी पफिंग थी वन दे नाल ना थोड़ी जी उनमें एक वाइटनेस ऐड थी तुसा अपनी जी ओवरऑल शख्सियत है ना वो एक कंपोज और बेहतर थी ते ना तुम जरा सोने जे बन में ते लाइट ते सेट ते कैमरे दे विच थोड़ा जाना उसरा जरा खूबसूरत लगदा है। असा देखो व्लॉगिंग है ता असा कुछ भी नहीं करेंदे हैं इवें ही खूबसूरत आ तुहाडे सामने आ जी ओ जी साडी खूबसूरत तरीन शख्सियत है इंदे विच कहनी जरूरी ए चुके जेडे व्लॉग्स होंदे ना बुनियादी तौर ते एक मतलब फ्री स्टाइल दा एक मतलब एक मीडियम है जिवें आजाद नज़्म होंदी है ना ना ओ गज़ल है ते ना ओ नज़्म है उस तरह दी जी दोस्तों असा तौसीक भाई दे नाल मौजूद हां और तौसीक भाई दी सारी उम्र जड़ी है वो बड़ी जबरदस्त गुजरी है पीटीवी को तुसा हमेशा पीटीवी को प्रमोट कीते लोगों को प्रमोट कीते बस एक्सपीरियंस दसाओ चाह के सब तू ज्यादा जरा तो मजा है पूरे अपने करियर च ओ किस चीज दा है किने नाल आए ज्यादा मजा। मैं सबसे ज्यादा मजेदार आपको बात ये बताऊं कि मुझे कोई पूछता था कि तौसीक भाई रिटायर होके आपने क्या करना है कहां सेटल होना है तो आपको पता है मैं किस शहर का नाम लेता था। किस शहर का? बहावलपुर। बहावलपुर से ज्यादा मजेदार शहर कोई नहीं है कि आपने मजे की पुरसुकून लाइफ जिंदगी की हर आसाइश वहां पे मौजूद है और आपको अगर शुगर है तो बहावलपुर से बेहतर शहर आपके लिए क्यों कोई नहीं है क्यों
कि बहावलपुर में आपको मीठा खाने शुगर खाने की जरूरत नहीं है, लोग इतने मीठे हैं कि आपका शुगर का कोटा भी पूरा हो जाता है और आपका शुगर लेवल भी ज्यादा नहीं होता। तो आई लव द सरायकी बेल्ट और वसेब के लोग बड़े प्यारे हैं जी आपकी तरह, एंड ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सही, जजाकल्लाह तआला, बहुत शुक्रिया तौसीक भाई जी। दोस्तों असा हूँ जरा इतों वापसी वास्ते निकलते पे हैं पीटीवी सेंटर इस्लामाबाद तो, और जल्द जरा बल्कि नेक्स्ट वीक तो आपको पीटीवी लाहौर सेंटर जरा वो भी दोबारा विजिट करवे सूँ। पहले भी तुसा दोस्तों को मैं विजिट करवाया सारा, वो बड़ा जबरदस्त उनके अंदर जरिया राहदारे हैं, उनके जरिया तस्वीर हैं पुराने ड्रामा दें और कहे कहे पीटीवी का हिस्सा रह गए लोग, वो सारा भी तो आपको दिखे सूँ। और फिलहाल जरा असा हूँ इतों निकलते हैं, पता नहीं हूँ कित वेसूँ सीधा तुहाडे नाल नाल वल। दोस्तों असं श्रीनगर हाईवे ते वेंदे पे आ मोटरवे की तरफ, और गड्डी दा एसी जरा वो बड़ा स्लो काम करेंदा पे आ, ते मैं आके पता नहीं क्या गल बन गई कहिंदा ते एसी बड़ा जबरदस्त है, क्यों जो गर्मी है तुसां देखदे पे हो मौसम, ये देखने बदल नजर दा पे लेकिन काफ़ी गर्मी है। तो वो भाई ने जरा एसी इत किया हो जरा इधर ठंडे वाली हवा है वो थोड़ा उत्ते आई, तो हूँ जरा वो सैट की है, क्यों जो रात इतनी असं रात का सफर किया इस्लामाबाद का, वो इतना ज़्यादा ठंडा है कि सर्दी लगती है और अगर बंद करूँगा तो गर्मी लगती है। खैर हूँ जरा जबरदस्त एसी है और असं निकल चुके हैं लाहौर वास्ते, तो हूँ बस इतों पहले कुछ खा पी गिनसू, क्यों जो मैं थोड़ी देर गड्डी सुम गया हूँ उतें बाहर निकलते और इन्होंने नाश्ता कर गई था, मैं नाश्ता कह नहीं किया तो हूँ नाश्ता कर गई हूँ तो वाल लगा सफ़र शुरू करेंगे। दोस्तों सब मैकडोनल्ड आ गए हैं इस्लामाबाद तो निकलते हैं जरा एंड ते मैकडोनल्ड है और इतों ड्राइव थ्रू तो बस कुछ घिन गिनने खावण को वाल अपना अगू का सफर शुरू करेंगे और बस निकलते वैसे सीधा मोटर। सर सर हुक्म करो हुक्म करो यार, जे व्यूअर्स हो ना इन्हों के व्लॉग देना हसने आते, एक गल सची सची दसो जो ये सारा दिन तो अपने रूटीन दिखेंगे बोर तो नहीं थे? बिल्कुल नहीं थी जी, खाने को कशा मिलती है को तो को मजा आंदा या बस इवे तो को लहू की थी वदे अब बकर भाई एक मिनट देओ जब बस ऑर्डर कर गिनो वाल तोरे नाल गाल करवाने ने व्यूअर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिंगर में प्लीज एक डील कर दे मील ये यो जा सराय की व्लॉगर है जी, एक फिश मील कर दे। फिश बर्गर सॉरी सर, मैम फिश बर्गर सर्व नहीं कर रहे हैं। अच्छा फिर सिंगल पैटी चिकन, सिंगल पैटी चिकन में कर दें। लो जी दोस्तों ऑर्डर ठीक है। अब बकर भाई तुसा उतनी देर अलवा किनो क्या साखने यार, ये तोना जरा सराय की भी लागर है ना आप तखंदे मैकडोनल्ड केएफसी द बर्गर ते तुसा कंदो तनूर दे रोटियां नान तक रोनी देंदे तो किरे पासे ले वदे ए लाहौर आते सराय की कैन में रह गया बोतल तुहाडी तुहाडे कोल आ गई है। दोस्तों असां इत्थे हुण रुक गए हां जरा खाना खाते वाल सफर शुरू करेंगे। दोस्तों असं पहुंच गए हैं चक्री चक्री रेस्ट एरिया और इतने जोहर अली नमाज पढ़ी है, हूँ जरा पेट्रोल पवेंदे पे हैं, पेट्रोल दी टैंकी है देखो लाहौर हूँ तो पता है फुल करवाई है, इतने हूँ जरा वापसी सारी थी पई है और पेट्रोल ही एंड थी ना पे, बस पेट्रोल पवाते वाल जरा सीधा सफर लाहौर का करे सुझे। यार ऑटो फुल कर दे। ओके लो जी दोस्तों असा हूँ अगर का सफ़र शुरू करेंगे पे हाँ इतों हूँ इंशाल्लाह उम्मीद है साकू कोई त्रै घंटे लग सन और असा लाहौर रावी टूल प्लाजा इंशाल्लाह पहुँच वे सू। थैंक यू दोस्तों असा पहुँच गए हैं भेरा और भेरा एच भी मैकडोनल्ड भी है, के एफ सी भी है, हार्डीज भी है,
ਵਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਅੱਗਾ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ 1500 ਜੀ ਹਾਂ वो सामने से। थैंक यू। ये ड्रिंक आ गई मैकफेरी, ये आ गई। यार एक नॉर्मल प्लीज दे दें, दो ठंडी ठीक है। हाँ एक मैं आगे खुद रोक लेता हूँ। वो भी है दोस्तों, असं तो हूँ मैं लिखा कि हूँ बुक कहना भी माए तो सिर्फ आइसक्रीम खिदी है और अबू बकर भाई ने सिर्फ पानी खिदे और भाई ने जरा बर्गर खिदे तो बस हूँ जरा इतना आई मैं 5 मिनट रुकसूँ तो वल अगा निकलते पे हाँ जी। दोस्तों सुन मैं दिल से आते पे तो सियाल जरा आते ना रेस्ट एरिया उत्थ आते मेरी तो बस ठीक है। मैं वाल भाई को आखे कि तुसा चलाओ और मैं सुनदा, भाई ने वाल गड्डी चलाई है तो मेरी अखू वेले खुली है जल्द असं घर आ गए तो घर आते वाल मैं सौं गया हूँ उठा रात दे बजते पे 10 बजते 40 मिनट थी पे और मैं बस इतों खत बनवाते क्यों जो कल सवेरे इंशाल्लाह असं तुहाडे वास्ते राजनपुर निकलते पे खत बनवावने और साडा बड़ा प्यारा दोस्त साडे हर वक्त नाल होंदे जाइया उको अल्लाह पाक ने बेटा अता कीते पहले उंदियां माशाल्लाह 2 बेटियां हैं उंदे कोल भी हुणे वंजणे ते उको मुबारकबाद फुल शोल मिठाई शिठाई पेश करें वजते बस मैं खत बनवा गई ना वाल हमजा को कहते उथा ही निकलते हैं जी। दोस्तों अस आ गए हैं इतना केरी दुकान है जी मोका सर तुहाडे कोलों पुछता पिया मोका मोका तला भाई कैसे हैं? ओके ब्रदर 10 मिनट वेट कर लेते हैं और जरा इतों असा क्यों जो लेट काफ़ी सी गए हैं केक घिनगी दे और केक घिनते वाल कोई फुल शुल घिनते हैं और वाल जहाजा दे कोल बेंदे पे हैं। दोस्तों ए केक है जी कॉन्ग्रैट्स गोंदल फैमिली सारा जरा दोस्त है जहाजा वो गोंदल हैं सरगोदे दे और ये जरा केक बन गए तो असा अपना भी जूस शूस मंगवा के दे हमजा ने कॉफ़ी मंगवाई है बस वो पीते असा निकलते पे हैं रस्ते चो फुल घिन सो और जहाजा के घर वे सो। लो जी दोस्तों जूस मैं एप्पल जूस मंगवाए तलहा ने भी और हमजा ने कॉफ़ी मंगवाई है ते बस असा उन्हें पीते जरा निकल अंदर नहीं पिया सही लाओ तो लाओ हूँ अस जी। दोस्तों हूँ अस आ गए हैं इतना फ्लावर शॉप से और इतों फुल घिन घिन कौन सा लेना है सर जी? यार कोई फ्रेश वाला देना दोस्त। चलो है किन्ने दा? 800 और है किन्ने दा? 1500 उड़न वाला यार प्यार मोहब्बत वाली गल कर दोस्त यार ना यार ज्यादा ना करना यार तू प्यार मोहब्बत वाली गल करो ऐ ला दे यार। लो जी दोस्तों फुल असा घिनगी दन ए आला कितने दा? 1200 रुपए दा 1300 कहंदा मैं कहनो 1200 100 दा पेट्रोल पवे से यार ए टोकरी भी नाल मिलेगी? अच्छा चलो दोस्तों यहाया दी बेटी वास्ते जरा वो गुब्बारे भी गिनते पे हैं और अंदरू आवे नाल जरा ये भी नाल गिन गिन। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत मुबारक। आप बहुत थके हुए हैं हमें अंदाजा है लेकिन हमने कहा अभी हो हैं ए सर सारे व्यूअर्स की तरफों भी तो आपको मुबारकबाद ए सारे दोस्त जरा कमेंट च भी याजा भाई को मुबारकबाद दे सन याजा भाई ये सारे तलू तो आपको पकड़ना पोसे क्यों जो भारी काफी है तकल्लुफात देख रहे हैं व्यूअर्स ना सर ना ए सर ए असा के तो को आज कुछ देसू तो तुसा सा कुछ खवेसो वरना ए ऐसा इन्वेस्टमेंट कीती है वरना सुकी मिठाई तुसा को टाल लेवे हा माशाल्लाह। दोस्तों यहिया दे घरों आते हुन मैं हमजा दे घर आया हमजा तल्हा को उतारते
और मैं निकलता पे घर, टाइम थींदा पे 2:08 वनते कोई 2 घंटे सोमगिन सु 4:30 राधा इंशाल्लाह राजनपुर वास्ते निकल सु मैं ते अबू बकर भाई ते ए व्लॉग इथे ही एंड करें दे अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो वसीब दे लोकां दा ख्याल रखे सो अल्लाह हाफिज़।